हाय दोस्तों, आपके लिए आज नया एक वीडियो लेकर आए हुए। जैसे कि आज एक टॉपिक है, ये वीडियो है कि लाइफ में, बाहर की लाइफ में और एक बिजनेसमैन और कोई भी पर्सन है उसके लिए एक ये टॉपिक ऐसा है कि उनके लिए बहुत ही अपग्रेडेशन ला सकता है। अब आज की कंडीशन में हमें कुछ नया सीखने की जरूरत है। वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने जा रहा है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि किसी के जीवन में परिवर्तन क्यों जरूरी है, चेंज। आज वही चेंज के अकॉर्डिंग आज एक वीडियो यहाँ पे आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बात कर रहा हूँ यहाँ पे चेंज। अब बात करते हैं चेंज, तो चेंज का स्पेलिंग है CHANGE। अब चेंज का स्पेलिंग ये है CHANGE। ओके, तो चेंज की बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा चेंज का फुल फॉर्म क्या हो रहा है उसको लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। कि कोई भी पर्सन है, आज आपको यही चीज सिखाने वाला हूँ कि एक पर्सन जो एक बिजनेसमैन है, बाहर की लाइफ में कोई जॉब कर रहा है या कोई भी प्रोफेशन में है वो पर्सन, उनके लिए चेंज क्यों जरूरी है। बात कर रहे हैं यहाँ पे चेंज की बात करें तो पहला यहाँ पे स्पेलिंग में सी आता है। अब सी की बात करें तो सी, अब कोई भी पर्सन के लिए सी मतलब ये चेंज का पहला स्पेलिंग में आता है चेंज सी, और उसका मतलब है क्लोज। ओके, क्लोज। अब कोई भी पर्सन है, अपने जीवन में उनको अपग्रेडेशन लाना है, अपने अकॉर्डिंग उनको अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे। अब यही चीज बता रहा हूँ कि देखो, बिजनेस कर रहे हो या कोई भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो, आपके कपड़ों से आदमी पहचाना जाता है। आपको चेंज होना पड़ेगा कपड़ों के अकॉर्डिंग। अब बिजनेसमैन के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि ये चेंज कपड़ों में क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी पर्सन है, आज फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपके सामने कोई भी पर्सन आता है, आपके कपड़ों से पहचाना जाएगा। वही चीज बता रहा हूँ कि कोई भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो, क्लोथ से चेंज होना पड़ेगा। क्लोथ की बात करें और आगे जो अक्सर आता है वैसे कि एच, कोई भी पर्सन है, एच एच मतलब हैबिट्स। अब हैबिट्स की बात करें तो हैबिट्स अच्छी है, आदत है। जो भी आदत होती है वो आदत की बात करें तो जो हमारी जो भी आदत होती है, कोई भी पर्सन है उनको चेंज होना है। चेंज कैसे होंगे, आदत होते। अब आज मेरी कोई भी पर्सन, मुझे अपग्रेडेशन करना है, अपने अंदर कुछ ना कुछ नया लाना है, तो मेरी आदत है, जो बुरी आदत है उनको छोड़ना पड़ेगा और अच्छी अच्छी आदत है उनको अपनाना पड़ेगा। वैसे भी कोई भी प्रोफेशन में मुझे आगे बढ़ना है तो आज मेरी आदत है, कोई भी बुरी आदत है जैसे कि कोई भी पूरे दिन में मेरा टाइम वेस्ट करना। अब बात करें अभी की कंडीशन में काफ़ी सारे लोग अपनी आदतों के मजबूर होते हैं। अब वही आदतें हमें चेंज नहीं की तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें सेल्फ अपग्रेडेशन के लिए हमें हमारी आदतें बदलनी पड़ेगी। अब चेंज की बात करूँ तो ये आदतें जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छी आदतें हमारे अंदर डालनी पड़ेगी और बुरी आदतें हमारे बाहर निकालनी पड़ेगी। वही बात कर रहा हूँ कि आदतों से, अपने आप की आदतों चेंज करने से आदमी बहुत ही परिवर्तन हो जाता है उसके जीवन में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते क्लोथ हैबिट्स। अब आगे ए आता है तो ए का महत्वपूर्ण जो पॉइंट है हमारा ए, ए का मतलब एटीट्यूड। अब बात कर रहा हूँ ए, अब एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड मतलब नजरिया। ओके, नजरिया यानी कि दृष्टिकोण। आपका किसी भी चीज को लेकर दृष्टिकोण क्या, अभी की कंडीशन में हम ये सोच रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन चल रही है आज की कंडीशन में, अगर हमने हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव रखा, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रखा, तो डेफिनेटली यहाँ से हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, हमारा माइंड सेटअप होना चाहिए कि हमारा जो भी काम है उसको पॉजिटिव नजरिए से लेना पड़ेगा। कितनी भी दिक्कत आए हमें हमारे काम के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। एटीट्यूड हमारा हमेशा पॉजिटिव रखना है। नजरिया, देखने का नजरिया, आपको किसी भी पर्सन का देखने का नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको खुद का नजरिया चेंज करना पड़ेगा, किसी को देखने का नजरिया, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपको पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हो या नेगेटिव नजरिए से देख रहे हो, वो आपको सोचना पड़ेगा कि आज मैं क्या कर रहा हूँ। नजरिया बहुत ही महत्वपूर्ण
बात है कि हमारी कोई भी काम में आपका पॉजिटिव दृष्टिकोण होना जरूरी है। ओके, अब आगे बात करें एटीट्यूड की, बात की हमने, तो हमारे अंदर एटीट्यूड मतलब ये नहीं कि कोई ऐसा समझता है, एटीट्यूड मतलब ईगो। ईगो और एटीट्यूड बहुत ही डिफरेंट है। ईगो मतलब वो चीज है कि गमन, और एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण। आपका कोई भी काम को लेकर आपका एटीट्यूड जो सही रहा ना, तो डेफिनेटली वो काम आप कर पाओगे। ओके, आगे बात करते हैं एन। एन मतलब नेचर। नेचर, ओके, नेचर मतलब स्वभाव। आपकी क्या मेरी कोई भी चीज, यानी कि कोई भी पर्सन ऐसा है कि नेचर की बात करें, स्वभाव, किसी भी प्रोफेशन हो, काम हो, या जॉब हो, या बिजनेस हो, कोई भी काम में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपको आपका स्वभाव बदलना पड़ेगा। अगर बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई भी प्रोफेशन, काम हो, बिजनेस हो, या जॉब हो, वहां पे आपका स्वभाव ही आपको आगे ले जाएगा। आपका लोगों के प्रति आपका व्यवहार कैसे है, आगे एक बात बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना है, कोई भी डायरेक्शन में बिजनेस हो या बाहर की लाइफ का कोई भी सिचुएशन कंडीशन में आपको आगे बढ़ना है, किसी का आपको हेल्प भी चाहिए, कहीं ना कहीं आपका स्वभाव एक हेल्पफुल वाला होना चाहिए। यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ सेल्फ अपग्रेडेशन करना है, मेरा स्वभाव पहले बहुत ही विचित्र स्वभाव से मेरा स्वभाव चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने अपने स्वभाव में चेंज नहीं किया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओ। ये चेंज हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये पूरा कवर होगा। चेंज का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते जी की तरफ। जी मतलब गोल। अब गोल की बात करूं, जो पर्सन के जीवन में गोल नहीं होता है, अब गोल यानी कि जो हमारा लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, जो गोल नहीं होगा, तो वो इंसान की लाइफ गोल गोल घूमता होगा। उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं होगा, तो उसकी लाइफ भी गोल गोल घूमती रहती होगी। अब वही चीज है, लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको एक गोल सेटअप करना पड़ेगा, और गोल सेटअप करने के बाद छोटे छोटे जो टारगेट होते हैं, वो टारगेट से, छोटे छोटे टारगेट से वो गोल तक पहुंचना पड़ेगा। अगर माइंड में आपने एक डेस्टिनेशन लगाया हुआ है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तो वो डेस्टिनेशन के पास पहुंचने के लिए आपको छोटे 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 टारगेटों से गुजरना पड़ेगा। थोड़ा टारगेट अचीव किया, दूसरा टारगेट अचीव किया, तीसरा किया, एक टाइम पे आप अपने बड़े गोल तक पहुंच जाओ। ओके, तो जीवन में गोल होना बहुत जरूरी है। वही चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने गोल की बात की, अब गोल की बात करें तो मुझे अपने जो भी मैंने तय किया हुआ वहां पे पहुंचना है, तो मेरा माइंड सेटअप गोल ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग होता है, कि मेरे कपड़ों के अकॉर्डिंग, मेरी हैबिट के अकॉर्डिंग, मेरे एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, मेरे नेचर के अकॉर्डिंग, तब जाके ये सारी चीज मैं चेंज करूंगा, तब जाके गोल तक पहुंच सकता हूँ। ओके, अब गोल की बात करी, लास्ट में ई आता है। ई का मतलब है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब वातावरण। आज एनवायरमेंट की बात करें तो कोई भी आपके सक्सेस होने का वातावरण, अब आप जिस माहौल में रह रहे हो ना, वो माहौल आपको चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस की बात करूं, हम आज हमें आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं हमें हमारा माहौल ऐसा है कि बस सक्सेस होने का माहौल है, सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें सक्सेस होना है। अगर बाहर की लाइफ की बात करें तो इस बिजनेस के बाहर की लाइफ में ही होती ना, तो कोई सक्सेस के बारे में नाम ही नहीं लेता। अब कहाँ तक पहुँचना है वो उनको पता ही नहीं होता। मुझे यहाँ से जाना है दिल्ली तक, तो मुझे पता होता है कि दिल्ली पहुँचना है, तब जाके मैं पहुँच पाऊंगा, तब जाके मैं सही डायरेक्शन में जाऊंगा। लेकिन आज लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा गोल क्या है, मुझे पहुँचना कहाँ है, तो मुझे वो गोल तक पहुँचने के लिए मुझे किस एनवायरमेंट में रहना पड़ेगा। एनवायरमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल साबित होता है एनवायरमेंट का। ओके, जो पर्यावरण हमारे आजू बाजू का जो वातावरण होता है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारी सक्सेस। अगर सक्सेस होना है, तो आपको
चेंज करना पड़ेगा, वो है पूरा पूरा चेंज फॉर्मूला। वो भी श्री कृष्ण भगवान ने भी किया बोला हुआ है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। बस यही अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते जाओगे, डेफिनेटली एक टाइम पे आप सक्सेस हो जाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और भी आगे वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है एसोटेन नडियाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। जय सोना।